तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर अपने जीमेल अकाउंट को किस तरह से चेंज करेंगे। एकदम इजी है गाइस, वहाँ चेंज करना एकदम इजी स्टेप से मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए आप लोगों को सिंपली अपना यहाँ क्रोम ब्राउज़र ही ओपन कर लेना गाइस। मैं सिंपली यहाँ अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। गाइस आप लोग देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पर आप लोग को एक कर्सल दिख रहा है गाइस। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपने मोबाइल में इस कर्सल को किस तरह से इनेबल किया है, तो गाइस मैं ये वीडियो पहले ही अपने चैनल पर बना रखा है गाइस। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल खुफिया को और बगल में बेल आइकन घंटे को दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। गाइस चलिए सिंपली मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा गाइस, तो मेरा क्रोम ब्राउज़र यहाँ ओपन हो गया है गाइस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर में आपका एक जीमेल अकाउंट का लोगो जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है गाइस, तो इसे मुझे चेंज करना है गाइस यहाँ पर। बट आप लोग अगर चाहोगे तो चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग से चेंज नहीं होगा। आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ आप चाहो तो कोई भी सेटिंग आप देख सकते हो। यहाँ पर चेंज करने के लिए आप लोग को कोई भी सेटिंग नहीं मिलेगी गाइस यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से यहाँ जीमेल अकाउंट को अपने चेंज करेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर सिंपली आप लोगों का जो जीमेल अकाउंट दिख रहा है, आप लोगों को सिंपली इस पर जाकर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों का बहुत सारे जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल में अगर बने होंगे तो आप लोग को यहाँ पर शो हो जाएंगे गाइस। मेरा यहाँ पर जो शो हो रहा है, इसके अलावा तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरा जीमेल अकाउंट यहाँ शो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है नीचे में एक साइन आउट एंड टर्न ऑफ साइनिंग। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को सिंपली जाकर क्लिक करना है। गाइस मैं एक बात आप लोगों को यहाँ पर और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐड अकाउंट टू डिवाइस इस तरह का आप लोग, तो गाइस यहाँ पर आप लोग इस सब करने से आपका जीमेल अकाउंट यहाँ चेंज नहीं होगा। आप लोग को सिंपली यहाँ साइन आउट एंड टर्न ऑफ साइनिंग पर जाकर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइन आउट एंड टर्न ऑफ साइनिंग का ऑप्शन आ गया। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आप लोगों को यस का टिक कर देना है। यहाँ पर यस का टिक करने के बाद आप लोगों को गाइस यहाँ पर कंटिन्यू पर जाकर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने एक इंटरफेस यहाँ ओपन हो जाएगा गाइस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर में टर्न ऑन साइनिंग यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा है कि आप अपना यहाँ जीमेल अकाउंट सेट करें, आप अपना जीमेल अकाउंट यहाँ से चेंज करें। आप लोगों को जो यहाँ चेंज करना है सिंपली आप लोगों को गाइस यहाँ पर क्लिक कर देना है सबसे ऊपर में। गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ दूसरा जीमेल अकाउंट आप लोगों को दिख रहा है। मुझे यहाँ दूसरा जीमेल अकाउंट चेंज करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करते ही गाइस देखिए मेरे सामने जो भी मेरे फ़ोन में जीमेल अकाउंट यहाँ बना होगा वो मेरे सामने यहाँ शो हो रहा है गाइस। अब मुझे यहाँ से एक जीमेल अकाउंट मुझे सिलेक्ट करना है जो मुझे चेंज करना है गाइस। पहले मेरा ये वाला यहाँ जीमेल अकाउंट था गाइस, अब मुझे यहाँ दूसरा जीमेल अकाउंट यहाँ चेंज करना है। तो सिंपली मैं यहाँ क्लिक करूँगा गाइस। यहाँ क्लिक करने के बाद अब देख लीजिए गाइस आप लोगों के सामने नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यस आई एम इन, यानी ये पूछ रहा है कि ये मैं हूँ, मैं इसमें इन करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है यस आई एम इन पर। गाइस यहाँ क्लिक करने के बाद अब आप लोग का यहाँ जीमेल अकाउंट देख सकते हैं कि मेरा चेंज हो गया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बैग जाकर। गाइस मैं यहाँ बैग जाऊँगा तो अब आप लोग मेरा देख सकते हैं ऊपर मेरे जीमेल अकाउंट का लोगो जो पहले कुछ और था, दूसरा जीमेल अकाउंट था, अब यहाँ मेरा जीमेल अकाउंट जो दूसरा चेंज हो गया है। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर